हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे पोको X3 को Realme 7 Pro के साथ में। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, Realme 7 Pro कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हो चुका है इंडिया में। 20,000 के रेंज में फोन है, काफी अच्छा फोन है। और इसको टक्कर देने के लिए पोको ने भी अपना एक न्यू फोन लॉन्च किया जो कि है पोको X3। ये फोन ग्लोबल इवेंट में लॉन्च हुआ है और इस फोन की जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है Realme 7 Pro के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों इन दोनों फोन को कंपेयर करेंगे, देखेंगे दोनों फोन में आपको ऐसे कौन सा फोन अच्छा है, कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए, क्या आपको पोको X3 के लिए रुकना चाहिए कि आपको Realme 7 Pro बाय कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो चालू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी ही हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन्स के डिजाइन की। पर डिजाइन की तरफ देखो तो आपको दोनों ही फोन्स में काफी यूनिक डिजाइन देखने को मिलती है। पोको X3 में आपको जो पोको का जो लोगो है वो बैक साइड में एकदम बॉटम में देखने को मिलता है, सेंटर में। और यही अगर आप Realme 7 Pro की तरफ देखोगे तो आपको साइड में देखने को मिल जाता है लोगो। डिजाइन में अगर दोनों की प्रीमियम, मतलब काफी प्रीमियम डिजाइन आपको दोनों फोन्स में देखने को मिलती है। तो अपने अपने जगह पे दोनों फोन की जो डिजाइन है काफी यूनिक और काफी अच्छी है। तो गाइस, अब बात करते हैं इन दोनों फोन का सबसे मेन हाइलाइटिंग फीचर जो कि इन दोनों फोन का डिस्प्ले। अगर पोको X3 में देखो तो आपको पोको X3 में 6.67 इंच का FHD प्लस IPS LCD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। यही अगर आप Realme 7 Pro में देखोगे तो आपको 6.4 इंच का FHD प्लस सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिलता है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। वेल, दोनों ही फोन अपने जगह पे ठीक है। वेल, अगर दोनों ही फोन का डिस्प्ले कंपैरिजन किया जाए तो आई थिंक दोस्तों सुपर एमोलेड का जो डिस्प्ले काफी बेटर रहता है एज कम्पेयर टू IPS। बट अगर आपको IPS से प्रॉब्लम नहीं है और आपको डिस्प्ले की स्मूथनेस और रिफ्रेश रेट ज़्यादा होना, जैसे कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना, आपको गेमिंग काफ़ी स्मूथ में खेलनी है, तो दोस्तों आई थिंक IPS बेस्ट है। लेकिन अगर आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले होना जिससे आपका जो कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा, जो आपका डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा, ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। आपको मूवीज ज़्यादा देर तक के देखनी है, आपको मल्टीटास्किंग ज़्यादा देर तक के करनी है, अच्छे वीडियो क्वालिटी में अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से दोस्तों सुपर एमोलेड ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं दोस्तों सुपर एमोलेड की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले काफ़ी बेस्ट रहता है। और यही अगर आप OS की तरफ देखो तो आपको पोको X3 में MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद पोको X3 के लॉन्चर के साथ में। और अगर Realme की तरफ देखो तो आपको Realme UI मिल जाता है, Android 10 बेस्ट है दोनों ही फोन। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से आपको कौन सा UI ज़्यादा पसंद है, पोको का UI पसंद है क्या, Realme का UI पसंद है, ये मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट डाउन में बताइए। तो अब बात करते हैं इन दोनों फोन्स के प्रोसेसर की जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है परफॉर्मेंस के मामले में। पोको X3 में देखोगे तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर मिलता है। और यही अगर आप Realme 7 Pro की बात करोगे तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिलता है। वेल, दोनों ही प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही फोन की जो प्रोसेसर की कोर क्लॉक है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 2.3 GHz का दोनों ही प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाते हैं। एड्रिनो 618 की ग्राफिक्स देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। बट अगर आप स्मूथनेस की तरफ देखोगे तो आपको पोको X3 में ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इसमें आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और अगर आप Realme 7 Pro में देखोगे तो आपको वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी क्योंकि उसमें आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यही है इन दोनों फोन्स के प्रोसेसर की बात। और दोनों ही फोन का जो प्रोसेसर की आर्किटेक है वो दोनों ही फोन्स की 8 नैनोमीटर की आर्किटेक पे बेस है। बट अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो मेरे हिसाब से नया प्रोसेसर जो है वो काफ़ी बढ़िया होगा क्योंकि जो नए प्रोसेसर है उनको ही नए आर्किटेक्स के हिसाब से बनते हैं, तो वो ज़्यादा बैटरी इफिशियंट और ज़्यादा परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से पोको X3 का जो प्रोसेसर है वो क्वाइट बेटर है एज कम्पेयर टू Realme 7 Pro। और अगर यही रैम और स्टोरेज की तरफ देखो तो आपको पोको X3 का जो बेस वेरिएंट है वो है 664 GB का, और यही Realme 7 Pro का जो बेस वेरिएंट है वो है 6GB 128GB का। मतलब आपको Realme 7 Pro में जो बेस वेरिएंट का जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पोको X3 के बेस वेरिएंट के स्टोरेज से। और जो इनका हायर वेरिएंट है दोनों का, तो आपको पोको में 6GB 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और Realme 7 Pro की बात की जाए तो इसमें आपको 8GB 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोनों ही फ़ोन का जो
स्टोरेज टाइप है वो है UFS 2.1। दोनों ही फोन में आपको माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। अप टू 256 GB तक आप दोनों ही फोन में माइक्रो एस डी कार्ड स्लॉट लगा सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं पोको X3 के कैमरे की। तो पोको X3 में आपको 64 MP का मेन सेंसर देखने को मिलता है, 13 MP का अल्ट्रा वाइड है, 2 MP का माइक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर आपको पोको X3 में देखने को मिल जाता है। और यही अगर आप Realme 7 Pro में देखोगे तो इसमें आपको भी 64 MP का मेन सेंसर देखने को मिलता है, बट 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड का कैमरा जो 8 MP का है, 2 MP का माइक्रो और साथ ही साथ आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर दोनों ही फोन्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर दोनों फोन्स के कैमरा क्वालिटी की तरफ देखें तो दोनों ही फोन्स की जो कैमरा क्वालिटी होंगी ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, और जो इनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो दोनों ही फोन्स में आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर यही अगर आप फ्रंट की तरफ देखोगे तो आपको पोको X3 में 20 MP की सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है, और Realme 7 Pro की बात की जाए तो आपको इसमें 32 MP की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। तो यही होगी इन दोनों फोन्स की कुछ कैमरे की बात। और दोनों फोन्स के साउंड की तरफ देखो तो आपको दोनों ही फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हो, और साथ ही साथ आपको 3.5 mm का जैक भी देखने को मिले स्टीरियो स्पीकर्स है, तो जिससे जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा जो आपकी साउंड क्वालिटी होगी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। और 3.5 mm का जैक तो है ही, तो इससे आप आपका ईयरफोन वगैरह जो भी आप साउंड सुनते हैं वो उसके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। और अगर सेंसर्स की तरफ देखो तो आपको पोको X3 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है क्योंकि IPS डिस्प्ले है, और अगर आप Realme 7 Pro में देखोगे तो आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। सुपर अमोलेड डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है थोड़ा बहुत स्लाइटली फास्टर होता है एज कम्पेयर टू साइड माउंटेड। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन के जो सेंसर्स हैं, बाकी जो नेसेसरी सेंसर्स आपको सभी सेंसर दोनों फोन्स में देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग के लिए जो भी सेंसर जो नेसेसरी होते हैं सभी सेंसर्स आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं फाइनली इन दोनों फोन्स के बैटरी की। तो बैटरी की तरफ देखो तो आपको पोको X3 में 5160 mAh की बैटरी मिलती है विथ 33 W के फास्ट चार्जिंग के साथ में, और अगर आप Realme 7 Pro में देखोगे तो आपको 4500 की बैटरी मिलती है, 4500 mAh की बैटरी मिलती है विथ 65 W के फास्ट चार्जिंग के साथ में, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों अब बात होगी दोनों फोन्स के बैटरी की और फास्ट चार्जिंग की। तो आपको पोको X3 में 5160 mAh की बैटरी मिलती है और Realme में 4500 mAh की बैटरी मिलती है, 500 mAh का ही डिफरेंस है। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो मेरे हिसाब से मैं Realme 7 Pro की तरफ जाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको 4500 की बैटरी तो मिलती है बट इसमें आपको 65 W का फास्ट चार्जिंग मिलता है, जिससे आप 34 मिनट में आपको 100% आपका जो फ़ोन है वो चार्ज कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से बैटरी में तो मैं Realme 7 Pro की तरफ जाऊंगा, बाकी अगर आपको ज़्यादा बैटरी होना तो पोको X3 भी बेस्ट है, 33 W के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो गाइस यही है इन दोनों फ़ोन्स का डिटेल कंपेरिजन। तो अब मैं बताता हूँ दोनों फ़ोन्स के प्रोज और कॉइंस, कौन सा फ़ोन कौन सी जगह पर सही है और कौन सा फ़ोन कौन सी जगह पर सही है। तो अगर आप पोको X3 में देखोगे तो आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, IPS LCD का डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, USB टाइप सी तो है, दोनों ही फ़ोन में USB टाइप सी देखने को मिलता है। ये है पोको X3 की तरफ, और दोनों ही फ़ोन्स का कैमरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो पोको X3 जिन लोगों को IPS डिस्प्ले होना संतुष्ट है, IPS डिस्प्ले से 120Hz का रिफ्रेश रेट होना काफ़ी स्मूथ होता है, तो आई थिंक पोको X3 बेस्ट है। बट अब Realme 7 Pro की तरफ देखते हैं, Realme 7 Pro में आपको सुपर अमोल्ड का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 65 W का फास्ट चार्जिंग है, USB टाइप सी तो है, जो इसका बेस वेरिएंट है वो 6GB 128GB का है, और प्राइस की तरफ देखोगे तो बेस वेरिएंट की जो प्राइस है वो 19,999 rupees है, और पोको X3 भी ऑलमोस्ट सिमिलर यही प्राइस में आएगा। तो ये सब जो हाईलाइटेड फीचर्स है आपको Realme 7 Pro में देखने को मिलते हैं और पोको X3 में भी देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे मेन चीज़ है इन दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की, अगर आपको IPS डिस्प्ले होना 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में तो आई थिंक पोको X3 बेस्ट है। बट दोस्तों अगर आपको सुपर अमोल्ड का डिस्प्ले होना जिससे जो व्यूइंग एक्सपीरियंस हो, कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिले, तो आई थिंक Realme 7 Pro इज़ द बेस्ट, क्योंकि आपको 65 W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर से बताएं आप दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन बाय करने वाले हो, क्या आप पोको X3 के लिए रुकने वाले हो कि आप Realme 7 Pro को बाय करोगे, आज ही उसकी फर्स्ट सेल है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही अगले वीडियोज़ में।
और आपको कोई भी क्वेरी, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो दोनों फोन से रिलेटेड, कोई भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे जरूर से नीचे कमेंट डाउन में पूछिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।